हमारे प्रियात्मन ओम स्वस्ति अस्तु। मैं एक छोटी सी कहानी पढ़ रहा था कि एक सम्राट ने अजय और अभेद एक किले का निर्माण किया और वो किला इतना शक्तिशाली बनाया कि जिसमें कोई भी कहीं से प्रवेश ना कर सके। उस किले से 500 मीटर तक चारों तरफ उन्होंने एक पानी की एक झील खुदवाई और बहुत ऊंचे पर्वत पर उस किले का निर्माण कराया। जो भी उपाय सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त और उचित हो सकते थे राजा ने उन सभी का पालन किया और फिर निकटवर्ती सभी सम्राटों को आमंत्रित किया कि आइए, मैं आपको अपना अभेद्य दुर्ग दिखाना चाहता हूँ, अपना किला दिखाना चाहता हूँ जिसको मैंने पूर्ण रूपेण सुरक्षा के दृष्टिकोण से निर्मित किया है। बहुत सारे राजे महाराजे इकट्ठे होते हैं और महल में जाकर के राजा के उस किले को देखते हैं, उस महल को देखते हैं और सब प्रसन्नचित होते हैं। सब भोजन करके उस मीटिंग से उसमें सभा में शामिल होने के बाद बाहर निकल ही रहे हैं कि द्वार से बाहर जैसे ही निकलते हैं तो इस बात को जब राजा ने एक बार फिर से सभी सम्राटों के सामने रिपीट किया कि मैंने ऐसा अभेद्य दुर्ग और ऐसा अभेद्य किला बनाया है कि जिसमें कोई भी परिंदा भी पर नहीं मार सकता, जिसमें कोई भी राजा, कोई भी कहीं की सेना कभी प्रवेश नहीं पा सकेगी, मैंने इतना सुरक्षित किले का निर्माण किया है, तो दूर सड़क के किनारे चौराहे पर बैठा हुआ एक मोची ठहाका लगाकर हंसता है। तो सभी सम्राटों की दृष्टि उस मोची की तरफ जाती है, जूता गाँटने वाला जो मोची सड़क के किनारे बैठा है, और राजा को भी यह नागवार गुजरता है। वो अपने एक सैनिक को उस मोची के पास भेजता है और उसको पकड़वाकर अपने पास बुलाता है। वो कहता है, तुम इतने जोर से क्यों हंसे, हमारी इस बात पर भला हंसने का क्या प्रयोजन हो सकता है। तो मोची कहता है कि आपने बहुत शानदार, बहुत दुर्गम, बहुत ही अभेद्य और बहुत ही दुर्गम एक किले का निर्माण किया है जहाँ कोई भी नहीं आ सकता, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या मौत भी इस किले में नहीं आ पाएगी, क्या मृत्यु भी आपके इस अभेद्य किले में नहीं पहुंच सकेगी क्या। और फिर आगे कहानी बढ़ती है कि सम्राट वहीं से अपने वस्त्र और सामान भेजते हैं अपने घर में और वहां से सीधे वो बुद्ध के का जो क्षेत्र है, बुद्ध का जो निवास स्थल है जेतवन, वहाँ की तरफ प्रस्थान करते हैं और वहाँ जाकर के एक छोटी सी घटना, एक छोटे से व्यक्ति का आत्मबोध की के लिए की गई चोट व्यक्ति के पूरे जीवन को रूपांतरित करती है। तो अब ये कहानी मुझे बड़ी प्रासंगिक लगी। अमेरिका, ब्रिटेन और ऐसी बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ जो दुनिया में अपने सामने किसी को कुछ समझते और जानते ही नहीं थे, किसी को स्वीकारने को तैयार ही नहीं थे, आज जब मौत ने उनके अभेद्य दुर्गों में, उनके अभेद्य किलों में दस्तक दी है, तो उनको फिर से एक बार पुनर्विचार करना होगा कि आपने प्रगति की है कि अवनति की है। आपने बहुत सारे रॉकेट साइंसेस में काम किया, आपने पूरे गगन को भेद दिया, आप मंगल पर पहुंच गए, आप चंद्रमा पर पहुंच गए, आपने पता नहीं क्या क्या कर लिया, लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया में लगी हुई आग में जो करोड़ों निरीह प्राणी चल करके भस्म हुए हैं, आप उनको किसी ड्रोन से कभी बुझाने की बात आपने नहीं सोची, किसी जहाज से, किसी रॉकेट से, किसी ऐसी तकनीक से आपने उनके बारे में कभी नहीं सोचा। आपने मानवता के लिए एक ऐसा क्षणभंगुर, ये भी क्षणभंगुर बड़ा शब्द है, अभी जो डॉक्टर्स बता रहे हैं उनका मानना है कि हमारा जो सिर का बाल है उस बाल में से 1000 कोरोना के बैक्टीरिया बनते हैं जो दिखाई भी नहीं देगा आपको। बाल में से 900 से 1000 के आसपास कोरोना के बैक्टीरिया बनते हैं। इतने छोटे से विषाणु ने, इतने छोटे से वायरस ने आपको, बड़े बड़े ताकतवरों को घरों में बंद रहने को विवश कर दिया है। तो संकट की है यह छोटी सी समस्या, एक ऐसा जाल बुन करके, ऐसा चक्रव्यूह बुन करके पूरी मनुष्यता के सम्मुख आ खड़ी हुई है। तो हमें इसको कितना बड़ा, हम इसको समझ रहे हैं। और देखिए, पूरी दुनिया गो कोरोना, कोरोना को भगाना है। कोरोना को भगाइए मत, भगाएंगे तो फिर कहीं और पहुंच जाएगा,
कहीं भी नहीं पहुंचना चाहिए, कोरोना को मिटाना है जैसा समझना चाहिए, और ये मिट एक ही चीज से सकता है। कहते सुनते थे ना आज तक कि चलने का नाम जिंदगी, अब ठहरने का नाम जिंदगी है, अब रुकने का नाम जिंदगी है, अब जहां हो अपने आत्म रूप को समझने का नाम जिंदगी है, धैर्य का नाम जिंदगी है। धर्म के 10 लक्षणों में धृति धीरज का स्थान सर्वोपरि है। धैर्य रखिए, इस संकट से भी मानवता मनुष्यता जरूर पार पालेगी, लेकिन एक बात जरूर स्मरण में रखना कि आपका जीवन पहले जैसा नहीं होगा। ये घटना आपके जीवन को दो हिस्सों में विभक्त कर देगी, कोरोना पूर्व और कोरोना पश्चात। अब आप ऐसे नहीं रह जाएंगे, तो इसको अगर सकारात्मक नजरिए से, अगर अच्छे तरीके से शिक्षा प्राप्त करने के दृष्टिकोण से आपने आत्मसात किया, तो आपका जीवन सुखमय होगा, अच्छा होगा, बोधपूर्ण होगा, होशपूर्ण होगा, और अच्छा सभी के लिए अच्छा होगा। और अगर आपने इसको ऐसे ही गफलत में और टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर के इसको भुला दिया, तो फिर से हमें ऐसी किसी और संकट और परेशानी के लिए फिर से हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि मनुष्य की गई बेकदरी ही बार बार उसको संकट की तरफ उन्मुख करती है, बार बार संकट की तरफ प्रेरित करती है। प्रकृति का उपहास उसको बहुत बड़ी विडंबना के रूप में स्वीकारना पड़ता है, झेलना पड़ता है, सहना पड़ता है। ओम स्वस्ति अस्तु, आपके जीवन में सुख हो, आनंद हो, प्रेम हो और शांति हो। मेरा एक सवाल है, जब हम फ्यूनरल में जाते हैं तो कुछ लेडीज डेड बॉडी के पास ये रामायण पाठ करती हैं, तो क्या ये सही है? मतलब कि जो गुजर गया वो तो सुन नहीं रहा है, या जीते जी वो उनको सुनाना चाहिए, या मरने के बाद इसका क्या लाभ? मेरठ के एक बहुत ही मशहूर गीतकार हैं श्री ओमकार गुलशन, उनकी कुछ लाइनें हैं जिनमें दो लाइनें मैं याद करने की कोशिश करता हूँ। वो कहते हैं कि गुलशन तमाम उम्र तो कांटों में कट गई, गुलशन तमाम उम्र तो कांटों में कट गई, मरने के बाद लाए हैं फूलों के हार लोग। जीवन हमारा बहुत सारे विषादों में, बहुत सारे फसादों में, बहुत सी परेशानियों में, बहुत तरह की हानियों में, बहुत तरह के व्यवधानों में, और बहुत ही तरह तरह के नुकसानों में व्यतीत होता है। प्रिया ने पूछा कि पूरे जीवन तो हम बहुत बार कभी राम के मंदिर जाते नहीं हैं, श्री राम का स्मरण करते नहीं हैं, और जब अंतिम संस्कार हो रहा होता है तो वहाँ के एक रिचुअल की बात उन्होंने की है कि वहाँ का एक संस्कार है कि बहुत से लोग बैठ करके, या महिलाएं या परिजन जो भी हैं, रामायण का पाठ करते हैं। अलग अलग दुनिया में, अलग अलग खंडों में, अलग अलग तरह के धर्म ग्रंथों ने हमारे जीवन को एक शक्ति और प्रेरणा दी है। चूँकि साउथ अफ्रीका के जो देश हैं उनमें जो गिरमिटिया मजदूर भारत से गए सदियों पहले, उनके लिए रामायण, हनुमान चालीसा और तुलसीकृत रामचरित मानस जीवन का एक संबल था, जीवन का एक सेतु था। तो प्राय हर संस्कार में, हर चीज़ में वो उसका एक सहारा लेते हैं, तो हो सकता है वहाँ रामायण का पाठ इस नाते मृत्यु के समय लोग करते हों। लेकिन आपने पूछा है कि ज़िंदगी में जब हम जीवित हैं, अपने समय में हैं, तब तो हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते, और मरने के बाद एक औपचारिकता की तरह, एक फॉर्मेलिटी की तरह हम इसको करते हैं, तो ये बात तुम्हारी ठीक है, ये बहुत उचित नहीं है। जब आप जीवित हैं तभी तो राम भी आपके काम के हैं, तभी तो श्याम भी आपके काम के हैं, तभी तो सारी दुनिया आपके काम की है। लेकिन जब आप नहीं हैं इस दुनिया में, तो फिर आप कुछ भी पाठ करें कि ना करें, क्या करें, उसका बहुत मूल्य नहीं रह जाता। और अगर हम ये मानते हैं कि दिवंगत आत्मा की शांति के लिए, या उसके पुनर्जन्म की शुद्धि के लिए, या किसी भी तरह के कार्मिक कॉस्मिक कर्माज को पूर्ण करने के लिए आप इस तरह का कोई पाठ करते हैं, तो
उसका अलग से संस्कार विधि में और बहुत से ग्रंथों में अलग अलग तरह के वर्णन हैं, तो उस तरह का पाठ आप कर सकते हैं। इसका ज्ञान नहीं होता, बहुत सारे जो पौरोहित्य कर्म में लोग शामिल हैं प्राय उनको भी नहीं होता, तो उसको ठीक से हमें देखना चाहिए। और जिस समय में, जिस घड़ी में, जिस स्थिति में, जिस तरह के पाठ की, जिस तरह की प्रार्थना की, जिस तरह के अनुष्ठान की आवश्यकता है, उसी को हमें जीवन में अपनाना चाहिए, करना चाहिए, तो उसका पूरी तरह प्रतिफल हमें मिल पाता है। यही इसके लिए एक समुचित निदान है। और जब तक हम जिंदा हैं तभी तक हम राम का नाम लेते रहें, लेकिन जब आप चार कंधों पर चढ़कर जाते हैं, दुनिया बोलती राम नाम सत्य है, तो अब वो जो जा रहे हैं उनके लिए कितनी देर तक राम का नाम सत्य है, और जो जा चुका उसके नाम, उसके जीवन में अगर राम का नाम सत्य था तो सबको पता चल ही जाएगा। और अगर राम का नाम सत्य नहीं था, कहते ना राम नाम सत्य है और सत्य बोलो गत्य है, यानी गति है, अगर आप सत्य बोलेंगे तो गति होगी। लेकिन जब अंतिम समय आता है तब इस भाव का स्मरण ना होकर के अगर जीवन पर्यंत ये भाव आपके बोध में बना रहे, आपके होश में बना रहे, तो जीवन में सत्य भी आता है और जीवन में गत्य भी आता है, गति भी आती है। जब हम डरते हैं, जब हम भयभीत होते हैं, तो ईश्वरीय सत्ता पर भरोसा खोते हैं, परमात्मा पर विश्वास नहीं करते, ईश्वर से हम दूर हो जाते हैं। जब हम कहते हैं कि इस दुनिया में एक पत्ता भी ईश्वर की मर्ज़ी के बिना नहीं हिलता, तो फिर आप कैसे हिल पाएंगे, आपको कैसे कोई कुछ बिगाड़ सकता है। तो हम जब डरते हैं, भयभीत होते हैं, तो अविश्वासी भी होते हैं। हम अपने अनुभव से ना जी करके अवधारणाओं से जीते हैं। सबसे ज़्यादा डर, जैसे आपको बहुत से लोग कहते हैं आप घुड़सवारी ना करें, आप समुद्र में ना जाएं, आप पैरा सेलिंग ना करें, आप पैराग्लाइडिंग ना करें, आप जितने भी एडवेंचर्स गेम हैं कुछ भी ना करें, जान का खतरा है। जान का खतरा किस चीज़ से आंका जाता है, मृत्यु के ग्राफ से। तो मृत्यु का ग्राफ सर्वाधिक है बेड पर सोने से। दुनिया में 99% लोग बेड पर मरते हैं, फिर भी हम रोज़ाना बेड पर ही सोते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि किस जगह, लेकिन वो हम उसको अवचेतन मन में लेते हैं, समझ नहीं पाते हैं ऐसे। तो आप भय मुक्त रहें, जब भय मुक्त होंगे तो ईश्वरीय गुणों से युक्त होंगे। कभी कभी ऐसी घड़ियां आती हैं, ऐसा समय आता है जब आपको लगता है कि आप अगर इस समय में ईश्वर का भजन कर लेते तो बहुत अच्छा होता, अगर परमात्मा का संग साथ हो जाता तो बहुत अच्छा होता, अगर परमात्मा की भक्ति में, प्रार्थना में कुछ समय व्यतीत हो जाता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन हमारी तैयारी उस बारे में नहीं होती है। और मुझे कई बार ये जानकर बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे घरों में जूता घर के लिए जगह है। हम बहुत शानदार जूता घर बनाते हैं, हम ड्रेसिंग टेबल बहुत अच्छी बनाएंगे। यहाँ तक कि मैं अभी पिछले दिनों बाज़ार में कुछ सामान के लिए घूम रहा था, तो मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि जो ये फर्नीचर वाली शॉप्स हैं, ये बड़ी बड़ी ब्रांडेड शॉप्स हैं, उनमें वाइन के केस हैं, उनमें जो घर में बार बार बनाना चाहें उसके लिए बहुत सुंदर लकड़ी में और बहुत शानदार नक्काशी के साथ वो छोटे छोटे से रैक्स बनाए गए हैं जिनमें आप शराब की बोतलें सजा सकते हैं। लेकिन उन फर्नीचर की दुकानों में, बड़ी बड़ी ब्रांडेड शॉप्स में कोई मंदिर, सुंदर मंदिर वहाँ नहीं है, क्योंकि डिमांड नहीं है। डिमांड और सप्लाई का सारा खेल है। लोगों के घर में जूते के लिए स्थान है, परमात्मा के लिए स्थान नहीं है। और देखिए, अब परमात्मा ने कैसी घड़ी में आपको ला करके खड़ा किया है कि आप उसके घर जाकर उसकी प्रार्थना भी नहीं कर सकते। अगर आप ही के घर में परमात्मा का वास होता, मोटे अर्थों में बात कर रहा हूँ, वैसे तो उपनिषद में, ऋग्वेद में एक श्लोक आता है कि ईसा वास्यम विदम सर्वम यत किंच्याम जगत्याम जगत, ईश्वर इस जग के कण कण में विद्यमान हैं, लेकिन फिर भी प्रतीक स्वरूप में, फिर भी किसी कर्म कांड के नाते, फिर भी किसी क्रिया के प्रतिक्रिया स्वरूप, हम अगर अपने घर में इस तरह की कुछ शुभत्व की चीज़ों का संग्रह करते हैं, शुभत्व की चीज़ों को प्रतिष्ठापित करते हैं, उनकी प्रतिष्ठा करते हैं, तो हमारे जीवन में एक संबल मिलता है, एक थोड़ी देर के लिए ध्यान करने का एक स्थान निर्मित होता है, परमात्मा तक संबंध और सरोकार विकसित करने का एक स्थान निर्मित होता है, आपका एक तारतम्य बनता है, आपकी एक कड़ी जुड़ती है, एक अनंत कड़ी से आपकी कड़ी जुड़ती है। तो
आपके मन में बहुत सारे संवेगों की शांति होती है, आप डिप्रेशन से बचते हैं, आप तनाव से बचते हैं, आप कलह से बचते हैं, आप कलेश से बचते हैं। और अगर बहुत बड़े पोर्शन में बहुत अच्छे से आपने कोई मंदिर और कोई ऐसी पीठ स्थापित की है तो आपके घर में बहुत सारी बुरी चीज़ों से भी आप बचते हैं, क्योंकि फिर आपको कहीं ना कहीं आपके मन में ऐसा बात जरूर रहती है कि यहाँ तो ईश्वर का चित्र लगा है या ईश्वर की कोई श्री विग्रह रखे हैं, यहाँ बैठकर शराब नहीं पिएंगे, यहाँ बैठकर के हम बीड़ी नहीं पिएंगे, यहाँ बैठकर के हम जुआ नहीं खेलेंगे या किसी से झगड़ा नहीं करेंगे या किसी से दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। जब कुछ भी नहीं है तो फिर आप पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं और बहुत सारे मनों के वेग आप पर हावी होते हैं। तो इन दिनों जो लॉकडाउन में आप देख रहे हैं, अब आप कैसी परिस्थिति में परमात्मा ने ला करके आपको खड़ा कर दिया कि सर्वाधिक विपत्ति के समय में जब आपका सबसे बड़ा संबल कोई ईश्वर आपका आधार हो सकता था, ऐसे में आप ईश्वर की प्रार्थना भी नहीं कर सकते हैं जिन्होंने अपने घर में इसका इंतजाम नहीं रखा है। अब आप पुस्तक आप आज चाहें तो जाके पुस्तक भी खरीद कर नहीं ला सकते। अभी नवरात्र बीते हैं, कितने लोग थे जो अपने घरों में खेतरी बीजते थे, अखंड जोत जलाते थे, बहुत सारी पूजा प्रार्थनाओं के काम करते थे, लेकिन ईश्वर ने जिनके घरों में संग्रह नहीं था उन्हें इस बात से पृथक कर दिया कि वो चाहकर भी सामान खरीद कर नहीं ला सकेंगे, पूजा प्रार्थना नहीं कर सकेंगे। तो अपने घर में जब हम इतनी चीज़ों का संग्रह करते हैं तो क्या हम ईश्वरीय प्रदत्त चीज़ों में या ईश्वर के लिए प्रयुक्त की जाने वाली चीज़ों में अपना समय और धन नहीं निवेश कर सकते, उसको हम नहीं संग्रह कर सकते हैं कि हम हमेशा अपने घर में ऐसी चीज़ को इकट्ठा करके रखें जो जिससे हम भक्ति भजन या ईश्वर की प्रार्थना या हवन या यज्ञ या कोई धूप या कोई ज्योत या दिए या कोई शुद्ध घी गौघृत ऐसी चीज़ें अपने घर में रख सकें। तो ये हमें अगेन हमें फिर से ये चीज़ें चेताने और जगाने आती हैं, हमारे सुप्त मन को फिर से जगाने के लिए आती हैं कि हे मनुष्य तू क्या सोच रहा है और तू कैसा जीवन जी रहा है, तो अपने आप को समझ तो ये पूरी प्रकृति और पूरी दुनिया और ईश्वर सत्ता भी तुझे समझेगी और तेरे बारे में सोचेगी और सुनेगी। हमारे लाइफ के 5 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, पृथ्वी अर्थ, वायु एयर, अग्नि फायर, जल वाटर और आकाश स्काई। पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, इन ही 5 चीज़ों से हम बने हैं, हमारा शरीर बना है। ये 5 चीज़ें, ये 5 एलिमेंट जब तक हमारे शरीर में बैलेंस हैं तब तक हमारा शरीर टोटल हेल्दी है, हम हर तरह से स्वस्थ हैं, हमारा पूरा ऑर्गेन सारे ऑर्गेन्स सारा सिस्टम बॉडी माइंड सोल बैलेंस के रूप में काम कर रहा है। इसमें एक भी डिस्टर्ब होता है तो हम बीमार हो जाते हैं। हमारे शरीर में 85% वाटर है, 80% वाटर है, और उस पानी में नमक की मात्रा उतनी ही है जितनी कि हमारे शरीर में, जितनी कि समुद्र के पानी में, अंदर जो हमारे शरीर में पानी है और समुद्र के पानी में जो रेशो है वो नमक का उतना ही है। और जब हम माता के गर्भ में होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तब भी वो बच्चा जो फ्लोट करता है जिस पानी में, वो पानी उसी नमक का बना होता है जो नमक हमारे शरीर के अंदर है, इसीलिए वो जीवित रहता है। बात हम कर रहे थे ऑफरिंग की कि जब कोई हमारे घर पर गेस्ट आता है, भारत में बोलते हैं ना अतिथि देवो भवा, आपके मॉरिशस में भी करते हैं ऐसा, बहुत वेलकम करते हैं आप लोग। और अभी तो मैंने एयरपोर्ट पर देखा कि वहाँ इंग्लिश में लिखा है सब कुछ, सब चीज़ें, सारे डायरेक्शंस, सारी चीज़ें, सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं इंग्लिश में हैं, हिंदी में हैं और फ्रेंच में है और चाइनीज़ में है, हिंदी में भी हैं। तो वो हिंदी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे भारत में नहीं है बहुत जगह, वहाँ हिंदी में नहीं है, वहाँ इंग्लिश और इंग्लिश में है, सारा कुछ हिंदी में, लेकिन आपने हर चीज़ को इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी लिखा है। पानी को बिना प्यास के पीना चाहिए, भोजन को भूख लगने पर खाना चाहिए, लेकिन पानी को तब भी पीते रहिए जब प्यास नहीं है, जब भी पानी मिले पीते रहिए। और ये अपने आप में एक रेमेडी है, क्लीनिंग करता है ना, हम घर में वॉशिंग करते हैं ना कपड़ों की, नाली में गंदगी है तो एक बाल्टी पानी डालते हैं सब क्लीन हो जाता है। तो पानी मैक्सिमम पीते रहिए, आपकी बहुत सी चीज़ें ठीक रहेंगी। जब आप आने वाले गेस्ट को पानी देते हैं तो आप उसको एक वो एलिमेंट देते हैं जो उसको ईश्वर ने दिया है, परमात्मा ने, जिस मैंने बोला ना वाटर, वाटर को देकर पैदा किया है। तो आप देखिए, अब ये देखिए दूसरा एलिमेंट है एयर ये परमात्मा का दूसरा एलिमेंट है हवा। तो जब आप पानी ऑफर करना चाहिए आते ही व्यक्ति को, उससे ब्लेसिंग्स मिलती हैं। ऐसा कहते हैं पानी को कभी मांग कर नहीं पीना चाहिए, अगर कोई आपसे पानी मांग रहा है तो आप थोड़ा असिस्ट हैं, थोड़ा आपके डिकेट कहीं लेस हैं, ऐसा
हम, क्योंकि हमें अच्छी बातें सिखाना भी चाहिए ना, जब हम लोग मिलते हैं तो कुछ नई चीज़ हमें ऐड ऑन करना चाहिए। अभी नया कल्चर भारत में भी खत्म हो रहा है, नई उम्र के लोग किसी को पानी भी ऑफर नहीं करते हैं, जबकि पानी तो मुफ्त में मिला है। तो उसमें हमें ये भी पता चलता है कि हम कितने कनिंग हैं। जो चीज़ ईश्वर ने फ्री में दी है, अगर हम वो भी ऑफर नहीं कर पाएंगे तो जो चीज़ खरीद रहे हैं उसको कैसे ऑफर करेंगे। बताएं कि अभी तो जवानी है, बुढ़ापे के समय में देखते हैं ना, हाँ, करते हैं, हाँ, तो मजे लेते हैं, थोड़ा मौज मस्ती करते हैं, बड़ी अच्छी गाड़ी में घूमते हैं, उससे क्या एंजॉय करते हैं, बाद में देखेंगे। बाद कभी नहीं आता। बाद इसलिए कभी नहीं आता कि जीवन प्रतिदिन रिक्तता की तरफ जाता है, समाप्त हो रहा है। और अभी जो इसी मोमेंट में आप कर रहे हैं वही आपका सत्कार्य है। देखिए, एक आदमी और युवावस्था में धर्म के प्रति, भक्ति के प्रति उतने क्यों नहीं जुड़ते हैं, उतना क्यों पसंद नहीं करते हैं, और हम बुढ़ापे में ईश्वर की तरफ जाना चाहते हैं। जीवन में जब हमारा यंग एज है, जब हमारी युवावस्था है, जवान है, हम मौज मजे में बिताना चाहते हैं। मुरझाए हुए फूल परमात्मा पर नहीं चढ़ाए जाते। जो फूल मुरझा गए हैं उनको ईश्वर पर नहीं चढ़ा सकते हैं। जो जीवन मुरझा गया है, जो आदमी बूढ़ा हो गया है, उसको परमात्मा स्वीकार नहीं करते हैं। ताजी खिले हुए फूल, कम उम्र के बच्चे, ये जो बच्चियां हैं, ये जो छोटे बच्चे हैं, ये हमारे साथ देवियां बैठी हैं छोटी, बहुत कम उम्र से बच्चों को धर्म में डालना चाहिए। ये नवीन है ना, उसकी छोटी जो बिटिया है गिरीशा, वो मैं जानता हूँ 2 साल से यज्ञ में बैठती है, और आज ये भूल जाएंगे स्वाहा बोलना, वो नहीं भूलती है। ये नमः कहना, जब हम पुष्पार्चन करते हैं नमः पर भूल जाते हैं, उसको याद रहता है। ये बीच में खांस लेते हैं, ये बीच में छींक लेते हैं, वो भूल जाती है पूरी तरह, वो उसी में रम जाती है, उसके बॉडी माइंड सोल में वो चीज़ अडॉप्ट हो गई है, वो आत्मसात कर लिया है उसने। आप ये बताइए कि एक सफ़र आपने करना है, अब मैं आपको बताता हूँ। आप पालमा से और आप जा रहे हैं किसी उत्तरी छोर पर, ये पश्चिमी छोर है ना, यहाँ से आप उत्तरी मॉरिशस में जाते हैं, या आप यहाँ से रोड्रिक्स जा रहे हैं और यात्रा शुरू हो गई है, या आपका जर्नी 1 महीने का है, 1 महीने आपने सफ़र करना है। आपको रास्ते में भोजन भी चाहिए, आपको चिप्स चाहिए, आपको कोल्ड ड्रिंक चाहिए, आपको जूस चाहिए, आपको मिठाइयाँ चाहिए, आपको फ्रूट्स चाहिए। जिस दिन जर्नी ख़त्म होने वाली होगी उससे 3 दिन पहले उनकी व्यवस्था करेंगे क्या, या जब जर्नी शुरू होती है तब से करेंगे? यात्रा जब प्रारंभ हो रही है उसका इंतज़ाम तब से करेंगे, या जहाँ जर्नी ख़त्म हो रही होगी तब करेंगे? अगर आपकी जर्नी, आपके जीवन की उम्र 70 साल में ख़त्म हो रही है, तो उससे 3 दिन पहले यानी कि 60 साल में पूजा पाठ शुरू करेंगे, तो क्या 10 साल से और 60 साल तक भूखे रहेंगे? क्या 10 साल से 60 साल की उम्र तक वंचित रहेंगे? क्या 10 साल की उम्र से 60 साल की उम्र तक कपड़े अच्छे नहीं पहनेंगे? क्या 10 साल से 60 साल की उम्र तक आपको सोना चांदी हीरा मोती नहीं चाहिए? क्या 10 साल की उम्र से 60 साल की उम्र तक आपको समृद्धि, वैभव, यश, प्रतिष्ठा, आपका नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ नहीं चाहिए? अगर नहीं चाहिए तो 60 साल में पूजा प्रारंभ कीजिए। और अगर आप जवानी में वास्तविक सुखों को भोगना चाहते हैं तो ये सबसे उत्तम समय है। किशोर अवस्था में सिर्फ 12 साल के बाद, 12 साल तक परमात्मा बच्चे का भाग्य लिखते हैं। 12वें साल में ही यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए, हमारे हिसाब से तो 8वें 6 साल में कर देना चाहिए, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो 12वें वर्ष में कीजिए। शनि की पहली होरा, पूरे 12 वर्ष पूरे हो जाते हैं, और 12 वर्ष से बच्चे को अनुष्ठान में बैठाइए, और जब वो 36 साल का होगा तो मुझसे सवाल करना कि वो कहाँ बैठा है, वो क्या कर रहा है। किसी तरह का स्ट्रगल नहीं होगा उसकी ज़िंदगी में, कोई संघर्ष नहीं होगा, किसी चीज़ की वंचना नहीं होगी, मतलब कोई चीज़ उसके लाइफ में टास्क नहीं होगा कि क्या प्राप्त करें। एवरीथिंग, ये जो आपको चाहिए सब मिलेगा, आपके कोर्सेज से, आपकी विद्या से, आपकी एजुकेशन से, आपके बड़ी गाड़ियों में घूमने से, आपके बड़े घरों में रहने से, आपका बहुत पैसा जोड़ लेने से आपको चीज़ें नहीं मिलती हैं। परमात्मा के प्रसाद से समृद्धि आपके ऊपर फलित होती है, और परमात्मा का प्रसाद पूजा अर्चना है, प्रार्थनाएं हैं, जो हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अगर एक युवा व्यक्ति, एक जवान बच्चा प्रार्थना करता है तो उसका जीवन उन तमाम मूल्यों से जुड़ता है, उन सब चीज़ों को प्राप्त करता है जो उसे चाहिए। अभी तो वो गाड़ी सोचता है कि मैं होंडा की 10 लाख की गाड़ी में, 1 मिलियन की प्राइस की गाड़ी में खुश हूँ, तब वो 100 मिलियन की गाड़ी में घूमेगा।
तब वो सोचता है कि मैं तमारीन के एक रिजॉर्ट में जा करके आज शाम इंजॉय करूंगा, उसके बाद वो लेमेरिडियन में या मेरिट में या किसी और टॉप के उसमें जाता है। अभी उसका टारगेट एक छोटे से टोयोटा की गाड़ी का, तब वो लिमोजिन में जाता है। वो वही उम्र होगी लेकिन उसकी समृद्धि की अवस्था बदल जाएगी, उसके जीवन की दिशा बदल जाएगी। परमात्मा का ध्यान जितनी जल्दी करा सकें बच्चों को, जितनी युवावस्था में करा सकें, उतना श्रेष्ठ है। सारे राजे महाराजे, राम कृष्ण बुद्ध महावीर के पिता, उनको बच्चों को 6 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में ही आश्रम में छोड़ आए, गुरुओं के सानिध्य में रहे, वहाँ उन्होंने पूजाएँ की, प्रार्थनाएँ की, सारा कुछ किया। आचार्य जी बता रहे थे ना, संदीपनी आश्रम जो उज्जैन में, श्री कृष्ण उस आश्रम में रहते थे। राम कृष्ण बुद्ध महावीर सबकी शिक्षाएं गुरु परंपरा में हुई हैं और सारी सारी चीज़ें उन्होंने अपने जीवन की सीखी, इसलिए वो राजपाट को भोग पाए। अभी तो हम जीवन को ही वंचित बिता रहे हैं, जीवन ही हमारा रिक्त है एम्प्टीनेस के साथ, और एक आर्टिफिशियल चीज़ें हमने अपने जीवन में क्रिएट कर ली हैं, उससे हम जीवन को सोचते हैं कि हम जीवन अच्छा बिता रहे हैं। युवा एज में यंग लोग जब पूजा प्रार्थना करना शुरू करेंगे तो उनके पिता ने जो गाड़ी 60 साल में खरीदी है ना, वो 40 साल में खरीदेंगे, वो 35 साल में खरीदेंगे। उनके पिता जो मल्टी मिलियनियर 60 साल में बने हैं, वो 40 ईयर्स में बनेंगे। जब आपका शरीर काम नहीं कर रहा है, आपको दिखाई ठीक से नहीं दे रहा है, आप भोजन ठीक से पचा नहीं पाते हैं, आप पूरे समय ठीक से बैठ नहीं पाते हैं, आप ठीक से बातें सुन भी नहीं पा रहे हैं, आप उस समय जाते हैं ईश्वर के सानिध्य में, तो बात उतने कर देखिए, नहीं गए हैं तो जा सकते हैं। ऐसा परहेज नहीं है कि हमको ये कह रहे हैं कि कोई बूढ़ा आदमी तो बिल्कुल ना जाए, लेकिन अधिकतर मैंने जो बहुत ओल्ड एज के लोग हैं उनको ईश्वर की चर्चाओं में सोते हुए देखा है। वो अपनी नींद निकाल लेते हैं वहाँ जा करके, क्या बैठे रहते हैं, वो फिजिकली प्रेजेंस हैं, मेंटली एब्सेंट हैं। तो ये हम लॉस करते हैं। तो मेरी आप सबसे कहना है, मेरा आप सबसे ये आग्रह है, ये अनुरोध है, ये एक मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो युवा बच्चे हैं इनको डालिए और सही पूजाओं में डालिए, सही प्रार्थनाओं में डालिए, उसका तरीका ठीक होना चाहिए। गुरु जी आप कहते हैं यू लिव लाइफ गॉड साइज, इसका मतलब क्या है? हाँ, बहुत सारे आप जैसे प्रेमी हैं, आप जैसे प्रियजन हैं जो बार बार ये पूछते हैं कि लिव लाइफ गॉड साइज का क्या मतलब है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपका जीवन ऐसा हो परमात्मा के प्रिय जैसा, परमात्मा के सबसे निकट जैसा, परमात्मा को सबसे ज़्यादा पसंद करने वाले व्यक्ति का जीवन आपका जीवन होना चाहिए। कौन है ऐसा जिसका जीवन परमात्मा को प्रिय हो, जो सभी तरह के शुद्ध विचारों से परिपूर्ण है, जो प्रतिपल परमात्मा की प्रार्थना में लीन है, जो ईश्वरीय तत्वों को प्रणाम करता है, जो उन तमाम चीज़ों के प्रति साधुवाद से भरा है जो जीवन को उत्कृष्ट बनाती हैं, जो जीवन को श्रेष्ठ बनाती हैं, जो जीवन को उच्चतम आयामों में स्थापित करती हैं। हम जीवन में वो कोई कार्य ना करें जो परमात्मा को अप्रिय है, हम जीवन में कोई ऐसा भोजन ना ग्रहण करें जो परमात्मा को नहीं प्रदान कर सकते हैं, हम अपने ईटिंग हैबिट्स में इस तरह की आदतों को शुमार करें जो चीज़ हम परमात्मा को नहीं चढ़ा सकते हैं, उसे अपने शरीर पर भी ना चढ़ाएं, उसे अपने जीवन में भी शामिल ना करें। यही तो है लिव लाइफ गॉड साइज, आप पूर्ण आयाम में जिए। अमृतस्य पुत्रा अहम ब्रह्मास्मि, जो उपनिषद का सूक्त वाक्य है, जो संबोधि वाक्य है, जो आत्मभाव है उपनिषद का, अहम ब्रह्मास्मि, हम मेरे भीतर ही परमात्मा का वास है, मेरे भीतर ही परमात्मा विद्यमान है, मैं ही परमात्मा का प्रतिनिधित्व करता हूँ और मैं ही परमात्मा की इस जीवन से परमात्मा तक पहुँचने की यात्रा को परिपूर्ण करने निकला हूँ, तब आपका जीवन का वर्तुल, तब आपके जीवन की यात्रा, तब आपके जीवन का गंतव्य पूर्ण होता है और वही जीवन का वास्तविक ध्येय है जहाँ जाकर के आपकी यात्रा का समापन होता है। ऋग्वेद में एक श्लोक आता है, ईशावास्यम मिदम सर्वम यत किंच्याम जगत्याम जगत, ईश्वर इस जग के कण कण में विद्यमान हैं। यह सार्वभौमिक सत्य है, हमारी वैदिक देशना का मूल तत्व है, भारतीय अध्यात्म का और हिंदू जीवन दर्शन का अभिन्न सूत्र है। लेकिन बहुत से लोग जो व्यावहारिक जगत में वैदिक देशनाओं से अपने जीवन का परिपालन करते हैं या अपने जीवन संस्कारों में बहुत सारे शास्त्रों और बहुत सारे श्लोकों का समावेश रखते हैं, लेकिन
कण कण में ईश्वर है इसको तो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन क्या किसी प्राणी में ईश्वर नहीं है? जब कण कण में है तो फिर आप में भी उतना ही है। जितना सागर समुद्र में है उतना ही एक चम्मच में है। आप जब उसको उसका गुण तत्व आप किसी लेबोरेटरी में चेक करने जाएंगे तो एक चम्मच सागर की बूंदों में जो गुण तत्व विद्यमान होगा वही पूरे सागर में होगा। एक समान रेशो, एक समान अनुपात उसके मध्य होता है। तो हम अगर निर्जीव चीज़ों के बारे में, जो चीज़ें जीवन में बहुत मूल्यवान नहीं हैं, उन चीज़ों के बारे में तो हम बहुत संजीदा हैं। हम घर में रखे हुए टेलीविज़न से बड़ा सरोकार रखते हैं। हम अपने साथ इस्तेमाल किए जाने वाले गैजेट, हम अपने आईफोन के बारे में ज़्यादा सीरियस हैं, लेकिन जो हमारे साथ हमारे सहचर हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे भाई बंधु, पति पत्नी, बेटे बच्चे, हमारे जो मित्र सखा बंधु बांधव, उनके बारे में हम उदासीन हैं। उनके बारे में हम अपने मोबाइल से ज़्यादा आदरपूर्वक व्यवहार करते हैं, ज़्यादा ख्यालपूर्वक व्यवहार करते हैं, ज़्यादा ध्यानपूर्वक व्यवहार करते हैं, और जो हमसे संबद्ध सचेतन है, जो जीवात्मा है, उससे हम दुराग्रह से भरे होते हैं, उससे हम अलग तरह का व्यवहार करते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप इस बात को मानते हैं कि परमात्मा इस जग के कण कण में विद्यमान है, तो सबसे पहले जो चीज़ें परमात्मा ने बनाई हैं उनको प्राथमिकता दीजिए, उनको पहले पायदान पर रखिए, और जो मनुष्य ने बनाई है उनको दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, उसके आपके बाद बहुत लंबा क्रम है, वहाँ पर रखिए। क्योंकि परमात्मा द्वारा प्रदत्त, प्रकृति द्वारा प्रदत्त अवयवों को जब आप प्राथमिकता देते हैं तो परमात्मा को ही प्राथमिकता देते हैं, और तब यह सूत्र अपनी परिपूर्णता को परिलक्षित करता है कि ईशा वाश्यम इदम सर्वम यत् किंचाम जगत्याम जगत। चीज़ों के परिणाम हमारे मन के मुताबिक कैसे मिलें, इसके लिए हर चीज़ के एक विधि के विधान की आवश्यकता है। हम गाड़ी चलाते हैं ना, तो पहले उसको चाबी लगाकर स्टार्ट करते हैं, फिर पहला गियर डालते हैं, फिर दूसरे गियर में डालते हैं, फिर टॉप गियर तक ले जाते हैं उसको। जब उसको रोकना होता है तो उसका भी एक क्रम है, उस तरह से उसको रोकते हैं। कुछ भी काम आप करते हैं, आप भोजन बनाते हैं तो भोजन के लिए पहले सब्जियों को काटते हैं, आटा जो है पहले उसको पानी डाल करके भिगोते हैं, फिर आगे का काम प्रारंभ करते हैं। ऐसे ही जीवन में पूजा पाठ, अनुष्ठान और बाकी तमाम पद्धतियों के बारे में होता है। वहाँ भी नियम है, वहाँ भी कायदे कानून हैं, वहाँ भी तौर तरीके हैं, वहाँ भी एक व्यवस्था है। जब आप उस व्यवस्था का अनुपालन करते हैं तो आप एक नियम के, एक विधान के, एक व्यवस्था के अनुरूप काम करते हैं। जब आप एक नियम, विधान और व्यवस्था के अनुरूप कार्य करते हैं तो आपको परिणामों की प्राप्ति होती है। सामान्यतः जो प्रश्न पूछा गया था, आपको लगेगा कि मैंने बड़े विस्तार में उसका आपको उत्तर दे रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है ऐसे समझाने से आप थोड़ा जल्दी और अच्छे से समझ पाते हैं। जब आप पूजा करने बैठे, आपके घर का जो पूजा घर है वो आपके सम्मुख है, ईशान्य कोण में, यानी पूर्वोत्तर, ईस्ट और नॉर्थ का जो ज्वाइंट बिंदु है उसको हम ईशान्य कोण बोलते हैं, ईशान भी बोलते हैं उसको। ये जो नॉर्थ ईस्ट का एक ज्वाइंट एंगल है, ज्वाइंट बिंदु है, यहाँ पर जो भी आपके श्री विग्रह हैं, जो भी देवी देवता हैं, जिनको आप मानते हैं, जिनको आप पूजना चाहते हैं, या आप परमात्मा की अरदास करना चाहते हैं, आप सामान्य हवन करना चाहते हैं, अनुष्ठान करना चाहते हैं, दिया जलाना चाहते हैं, ज्योत लगाना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं, उसके सम्मुख, यानी कि आप के चेहरे के सामने, आपकी नासिका के बिल्कुल सामने वो दिशा होनी चाहिए। आप बैठ गए, बैठकर आसन का जैसे विधान है, आसन का अपने आप में एक पूरी व्यवस्था है किस तरह का आसन होना चाहिए, ऐसे आसन को श्रेष्ठ माना गया है जो आपके गुरुत्वाकर्षण को डिस्कनेक्ट करता है, जो आपके बॉडी की जो मेरिडियंस हैं, बॉडी के जो आपका एक प्रभाव है, जो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है उसको डिस्कनेक्ट करे। अगर वो कनेक्ट रहेगी धरती से तो जो भी आप अनुष्ठान करते हैं, जो भी सहस्त्रार से ऊर्जा आपके शरीर में, कहते हैं बॉडी माइंड सोल तीनों अलाइन होते हैं जब हम पूजा प्रार्थनाएं करते हैं, तो जब वो ऊर्जा का प्रवाह आपके शरीर में प्रवाहित होता है तब अगर वो धरती से आप स्पर्श कर रहे हैं तो वो स्पार्क हो जाता है, उससे आपको लाभ नहीं मिलता, कई बारी स्वास्थ्य खराब भी हो जाता है। ऊन आसन, ऊन से बना हुआ शुद्ध और श्रेष्ठ आसन का एक विधान और विचार है। साधकों के लिए अलग अलग तरह के आसनों की व्यवस्था है।
आप बैठे हैं, ईशान्य कोण की तरफ आपका मुख है, अपने दाहिने हाथ पर, ठीक से समझना, ऑन द राइट, आपके दाहिने हाथ पर सरसों के तेल का दिया प्रदीप्त कीजिए और अपने बाएं हाथ पर गौ घृत, गाय के घी से बना हुआ, सजाया हुआ, बनाया हुआ दिया प्रदीप्त कीजिए। दिया कैसा हो? दिया लेटा हुआ नहीं होना चाहिए। दिया जिसमें ऊर्ध्वमुखी, जिसमें बीच में पिन होती है, उसमें कलावे की बत्ती का इस्तेमाल करें। कलावा यदि 8, 3, 9, 18, 17 तंतुओं का है तो उत्तम माना गया है। 8 तंतु का एक लाल कलावा ले लीजिए, बनी बनाई बत्तियां बाजार में मिलती हैं, छोटा छोटा काट करके एक छोटी डिब्बी में अपने पूजा घर में पास में ही रख लीजिए। जब आपको आवश्यकता हो एक प्लैकर का इस्तेमाल जरूर कीजिए, क्योंकि जो आपकी बत्ती है, जो जब आप उसे प्रदीप्त करते हैं, जब वो लो जल रही होती है तो कभी कभी मध्यम हो जाती है, उसको सहारने के लिए एक पिन की ज़रूरत पड़ती है, एक प्लैकर की ज़रूरत पड़ती है, एक चिमटी की ज़रूरत पड़ती है। बाजार में चिमटी मिलती है, चिमटी जितनी लंबी और जितनी नुकीली होगी उतनी आपके लिए उपयोगी और बेहतर है। उसको अपने पास रखें ताकि सहारने में मदद कर सके। थोड़ा कैपेसिटी भी ज़्यादा हो दिए कि इस बात का ध्यान रखें, बहुत छोटा सा दिया ना हो कि 10-20 मिनट में खत्म हो जाए, कम से कम 2-4 घंटे दिया जल सके तो आपके सारे वायुमंडल को शुद्ध करता है, आपके पूरे वातावरण को बेहतर करता है और जो पाठ, जो अरदास, जो प्रार्थनाएं आपने की हैं वो समुचित रूप से हो पाती हैं। आप बैठें, आपके सम्मुख दो दिए हैं, उनमें जो गाय के घृत का दिया है, बहुत से लोगों की धारणा होती है कि हम तो अपने घर में घी बनाते हैं, बहुत शुद्ध घी बनाते हैं, लेकिन घर में जो आप घी बनाते हैं, मैंने माना वो बहुत शुद्ध है, आपने स्वयं निर्मित किया है, उसकी शुद्धता पर कोई आँच नहीं है, कोई संशय नहीं है, लेकिन आपके घर में दूध कौन सा आता है? आपके घर में तो भैंस का दूध आता है, तो वो गौघृत कैसे हुआ? गाय का दूध तो आता नहीं है, गाय का दूध कम से कम प्रचलन में आता है। गाय के दूध में, भैंस के दूध में, बकरी के दूध में, ऊँट के दूध में, इन सब के दूध की अलग 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 तरह की प्रकृतियाँ हैं, अलग अलग तरह की प्रवृत्तियाँ हैं, अलग अलग तरह के उनके गुण दोष हैं, वो हमारे उसमें आते हैं, वो ये एक अलग विषय है, लेकिन यहाँ आप गाय के घी का इस्तेमाल करें। कलावे की बत्ती काट करके रख लें, पिन वाले दिए में बीच में लगाएं, उसको प्रदीप्त करें और गाय का घृत भी चूंकि गाय के दूध से बना है, दूध से फिर आप उसको दही बनाते हैं, फिर मथते हैं, फिर मक्खन आता है, फिर उसके बाद पूरा एक प्रोसेस है, फिर घी बनता है, तो ये भी कहीं ना कहीं किसी पशु पर, गाय पर अवलंबित है, तो ये भी पशु की किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं देन है, या इसमें भी कहीं ना कहीं पशु की चर्बी का थोड़ा बहुत समावेश होता है। जो सरसों के तेल का दिया आप दाहिनी तरफ जला रहे हैं, ये विशुद्ध वानस्पतिक है, एकदम परम पवित्र है, परम शुद्ध है, क्योंकि ये बीज से निकला है। सरसों के पौधे पर जो सीड लगता है उसको जब हम पिराई करते हैं कोलू में, उससे फिर तेल बनता है, उस तेल को जब आप जलाते हैं तो उसके अलग तरह के प्रभाव हमारे जीवन में आते हैं। तो आपके श्री विग्रह रखे हैं, आप ईशान्य कोण की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं और रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि अगर एंटीना तिरछा तो पिक्चर गायब, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, बाईं ओर गाय के घी का दिया जिसमें ऊर्ध्वगामी बत्ती है, दाहिनी ओर सरसों के तेल का दिया जिसमें ऊर्ध्वगामी बत्ती लगी है कलावे की, दोनों को जलाइए। जो भी आपने पाठ करना है, जिस भी तरह का पाठ आप करते हैं, फिर आप वो कर सकते हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें अगर हम ख्याल में लें तो हमारा जीवन बहुत बेहतर हो सकता है। अब हम हवन की बात करते हैं। हवन में पूरा एक व्यवस्था है, हवन की पूरी सामग्री है, पूरा एक विधान है और हवन को करने का एक पूरा नियम है, लेकिन कभी कभी हम सूक्ष्म हवन भी करते हैं। जो दीप आते हैं, जो बनी बनाई धूप बत्तियाँ आती हैं, मैं अगरबत्ती की बात नहीं कर रहा, धूप बत्ती की बात कर रहा हूँ, तो जो धूप आती हैं उसमें भी बहुत सारे ऐसे अवयव होते हैं जो सामग्री में से ही लिए गए हैं, उनको धूप को भी आप थोड़ा जला सकते हैं, तो वो भी एक तरह से होम ही हो रहा है और वायुमंडल में वो प्रकीर्णन हो रहा है उस उन अवयवों का, उन तत्वों का जो आप जलाने के लिए बैठे हैं, जो आप करने के लिए बैठे हैं। एक कपूर का दिया अगर आप लगा सकें अपने पूजा घर में तो ये बहुत सारी चीज़ों को बेहतर करता है। गाय के घी का दिया आपके जीवन में समृद्धि, सुख, शांति, धन, ऐश्वर्य, संपदा, स्वास्थ्य, आरोग्य, बुद्धि, मेधा, तेज, वैभव, सौंदर्य, इन सबको देता है। सरसों के तेल का दिया आपके जीवन से, आपके घर से, आपके परिवार से, आपके कुल कुटुंब से रोगों को दूर करता है, दरिद्रता को दूर करता है, कलह कलेश, मन के संतापों को दूर करता है, जितनी भी तरह की विघ्न चिंताएं और परेशानियां हैं उनको खत्म करता है। और बहुत सारे मायनों में जब आप विशेष परिस्थितियों में विशेष मंत्रों के साथ सरसों के तेल का नियमित प्रदीप्तन करते हैं, प्रदीप्त करते हैं सरसों के तेल के दिए को, तो आपकी अकाल मृत्यु को भी हरता है। अगर हम किसी चीज़ को विधि विधान ठीक से करें तो निश्चित तौर पर उसके शुभ और अच्छे परिणाम हम प्राप्त कर सकते हैं।
हमारे हमने कुछ इसमें ऐसे नियम कहे, उनको विधान कहे या एक व्यवस्था कहे, वो हमने सुनिश्चित किए हैं। जैसे हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, हमें पूजा पाठ अनुष्ठान और प्रेयर्स किस प्रकार अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। परमात्मा द्वारा प्रदत्त ऊर्जाएं, परमात्मा द्वारा दी गई शक्तियां, ईश्वरीय कृपा हम ले नहीं पाते हैं, हम परमात्मा की शक्तियों का उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो हम आस्था और विश्वास को अपने डगमगाने लगते हैं। ऐसा नहीं है, डॉक्टर गलत हो सकता है लेकिन चिकित्सा विज्ञान गलत नहीं है, कोई वैद्य गलत हो सकता है लेकिन आयुर्वेद गलत नहीं है, ज्योतिषी गलत हो सकता है लेकिन ज्योतिष विज्ञान गलत नहीं है। लेकिन कई बार हम व्यक्तियों की गलतियों की वजह से उस विषय को भी दोष देने लगते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ बातें हम जानते नहीं हैं कि किस प्रकार हम पूजा पाठ करें, पूजा पाठ की क्या वस्तुएं होनी चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए। इस दुनिया में अमरजीत सबसे ज़्यादा महंगा अगर कोई काम है तो वो पूजा पाठ करना है, अनुष्ठान करना है। सर्वाधिक महंगी वस्तुएं पूजा पाठ में आती हैं, लेकिन पूरी दुनिया में मैं देखता हूँ कि कैसा चलन चल पड़ा है कि लोग जब आप शॉपकीपर के पास जाते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं, तो वो आपसे पूछता है कि आपको ये घी या ये तेल या ये कपड़ा या ये अगरबत्ती या ये कोई सामान नारियल, ये आपने पूजा के लिए लेना है कि अपने खुद के लिए लेना है। और जब आप कहते हैं पूजा के लिए लेना है, तो सबसे रद्दी क्वालिटी का, सबसे थर्ड क्लास, सबसे बेकार चीज़ आपको देना चाहते हैं। और कई बार हम भी उसमें शामिल होते हैं, हम कहते हैं नहीं नहीं सस्ता सा दे दीजिए, मंदिर में तो ले जाना है, ये गलत है। हमें महंगी से महंगी चीज़, महंगे से महंगा वस्त्र, महंगी से महंगा मिष्ठान, सुंदरतम कम ले जाएं, इससे तो अच्छा ना ले जाएं। आप दो पुष्प ले जाएं, एक लोटा जल प्रेम भाव से चढ़ा दें, उसका भी आपको परिणाम मिलता है। लेकिन जब हम खराब डुप्लीकेट मिक्स की हुई आर्टिफिशियल चीज़ें भगवान को अर्पित करते हैं, तो उसके कई बारी लाभ मिलने के बजाय नुकसान मिलने लगते हैं। आर्यम समुदाय का सर्वोच्च ध्येय मनुष्य का रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, आदमी का समग्र रूपेण रूपांतरण। वो व्यक्ति पूरी तरह अगर अपने आप को बदलना चाहता है, वही हमारे साथ जुड़ सकता है, चल सकता है। जिसने बदलाव को स्वीकार नहीं किया, उसका हमारे साथ चलने में मुश्किल होगी। हमारे हमारी गति में, हमारी यात्रा में कोई हिडन एजेंडा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपने मन मस्तिष्क में किसी प्रकार का हिडन एजेंडा लिए हुए हैं, कोई गुप्त योजना उसके दिमाग में है, और वो कुछ निहित स्वार्थों के लिए, किसी अपने मतलब को सिद्ध करने के लिए, अपनी कुछ बातें मनवाने के लिए, या अपनी बनी बनाई परंपराओं को ही कन्फर्म कराने के लिए, उनको वेरीफाई कराने के लिए, उन पर तस्दीक करके हमारी मोहर लगवाने के लिए हमारे पास आता है, तो आज नहीं तो कल उसको निराशा का सामना करना पड़ेगा, वो उदास होगा, वो गलत आदमी को चुन लिया है उसने। कोई आर्यम समुदाय में क्यों आता है, ये वो जान सकता है कि वो क्यों आता है। लेकिन मैं आर्यम समुदाय को मैंने क्यों प्रारंभ किया, कोई इस दुनिया में क्यों आया है, ये उसका विषय हो सकता है। लेकिन मैं इस दुनिया में क्यों हूँ, मुझे क्या करना है, मैं क्या करने निकला हूँ, मेरा मंतव्य, मेरा गंतव्य, मेरी यात्रा, मेरा टारगेट एकदम सुस्पष्ट है, और मैं बहुत स्पष्ट तरीके से उस बात को करना चाहता हूँ। तो आप कई बारी हम ऐसे गुरुओं को चुनना चाहते हैं जो आपकी ही गलत बातों को अपनी मोहर लगाकर पक्का कर दें। तो अगर आपको अपनी ही बातें पक्की करवानी हैं, तो फिर गुरुओं को चुनने का कोई उचित नहीं है। और गुरुओं को चुनने के बाद अगर आप बदल नहीं पाए, तो फिर गुरुओं को आप चुनना क्यों चाहते हैं, और बदलना आप चाहते नहीं, तो गुरु की आपको आवश्यकता क्या है, है ना। ये अगर आप अपनी ही बात, अपनी ही दुनिया में खुश हैं, अपनी व्यवस्थाओं में राजी हैं, आपके जीवन का जो विज्ञान है उसमें ही आप खुश थे, शांत थे और सब ठीक था, तो आपको गुरु को चुनने की ज़रूरत क्या थी। और अपने गुरु को चुन लिया है तो फिर तो गुरु के हिसाब से चलना पड़ेगा। और लेकिन ये दुनिया में ऐसा होता है, और आप इस बात को बहुत अच्छे से देखा होगा अपने बड़े नज़दीक से, कि हम सिर्फ गुरु के मुंह से कुछ बातों को पक्का करवाना चाहते हैं, चाहते अपनी मन की ही मर्जी है। लेकिन अगर आपके मन की मर्जी ही ठीक चल रही थी, तो आप 40 साल के हैं, 35 साल के हैं, 30 साल के हैं, तो अब तक तो आपके जीवन में फूल ही फूल खिल जाने चाहिए थे, आपका जीवन सुखमय होना चाहिए था, आपका जीवन परम समृद्ध होना चाहिए था, आपके जीवन के सारे प्रश्न गिर जाने चाहिए थे। लेकिन आप तो वहीं के वहीं खड़े हैं, आप दुखी हैं, आप अशांत हैं, आप परेशान हैं, आप गरीब हैं, आपके झगड़े झांसे हैं, आपके घर में कलह कलेश है। आपसे मेरा तात्पर्य सामाजिक सामान्य की बात, सामान्य जन की बात कर रहा हूँ, कि दुनिया में लोगों के की बात करता हूँ। जब मैं आप बोलता हूँ तो मैं कहता हूँ सामान्य लोगों की बात, जो हमारे समाज में लोग होते हैं। अगर उन सबके जीवन में ये सब शामिल ही था, तो फिर वो फिर उन्होंने गुरु को चुना, और गुरु को चुनकर वो स्वयं को बदलना नहीं चाहते हैं, तो गुरु क्या करें। तो जो भ्रष्ट
जो अवसरवादी, जो मतलब परस्त, जो अपने निहित स्वार्थों को पूरा करने निकले हैं, वो गुरु तो आपके हाँ में हाँ मिलाते चले जाएंगे, वो आपके गलत चीज को भी गलत सही कहते चले जाएंगे, वो आप कितना ही कबाड़ रद्दी सामान लेकर आइए उसी से आपके पूजा पाठ भी कर देंगे, वो आप 100 ग्राम घी से आपका अनुष्ठान भी कर देंगे, वो आपकी सबसे खराब और किसी तरह की लकड़ी हो बिना देखे, चाहे उसमें चीटियां ही अंदर भरी हो लकड़ी में, उससे यज्ञ भी कर देंगे। भाई हम तो कर नहीं पाएंगे, हमारी व्यवस्था में तो चलेगा नहीं। हम तो देखिए, हम तो खाओ घी से या जाओ जी से, है ना, या तो हम करेंगे तो पूरा करेंगे काम, वरना बिल्कुल नहीं करेंगे। और ये हमारे पूरे जीवन दर्शन का एक हिस्सा है कि आप कुछ भी करें टोटलिटी में करें, आप जब खंड खंड होकर के कुछ काम करते हैं तो परिणाम नहीं आता है। और हमारे सारे लोग जो हमसे संबद्ध हैं, जुड़े हैं, हम स्वयं भी अपने जीवन में, हमें कभी किसी भी क्रिया को करने के बाद, किसी अनुष्ठान को करने के बाद, किसी पूजा पाठ को करने के बाद कभी निराशा नहीं हुई। परमात्मा के बड़े बड़ा बहुत शुक्रिया है, बड़ी ईश्वर की कृपा है कि जिस मनोभाव से, जिस संकल्प से, जिस विचार से हमने कुछ भी शुरू किया उसमें हमें कामयाबी मिली। और उसका तरीका यही था कि हमने उसको ठीक से किया, या तो किया नहीं या फिर ठीक से किया। तो ये सबको अपने जीवन में इस बात को अपनाना चाहिए, जो खास तौर से धर्म के रास्ते पर चलने वाले हैं या धार्मिक पद्धतियों में अपने जीवन को शामिल करके चलते हैं, जब पूजा पाठ करना चाहते हैं, भगवान की प्रेयर करना चाहते हैं, ठीक से करें, वरना ना करें। ना करने में उतनी बुराई नहीं है जितना खराब करने में। आपने पूछा है कि कोई भी गुरु, कोई भी सदगुरु, कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति अपने कालखंड में, अपने समय में क्यों स्वीकृत नहीं होता है, क्यों उसके प्रति एक उपेक्षा का भाव लोगों में रहता है। ये मनोवैज्ञानिक संरचना है, सदा सर्वदा ऐसा होता रहा है, सभी गुरुओं के साथ ऐसा ही होगा। होता क्या है, हमारा जो अहंकार है, हमारा जो परसेप्शन है, हमारी जो तैयारी है, हमने जिस तरह से अपने जीवन को जिया है और जिन बातों को हम ये मानकर चलते हैं कि यही जीवन का अंतिम सत्य है, उन पर ही हम अवलंबित होते हैं, उन पर ही हम आश्रित होते हैं। हम कभी ये नहीं मानकर चलते कि इसके परे भी कोई सत्य हो सकता है। जैसा जीवन की कल्पना, जो जीवन का आदर्श, जो जीवन की व्यवस्था हमने सोची समझी, जानी परखी जांची है, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, इसके बारे में तो हम संतुष्टि नहीं हो पाते, इसके बारे में तो हम सुविज्ञ ही नहीं हो पाते, इसके बारे में तो हम कन्विंस ही नहीं हो पाते, हम सेटिस्फाई ही नहीं हो पाते इस भाव से। इसलिए अक्सर जब समय बीत जाता है, जब समय चला जाता है, तब आप उस सद्गुरु का मूल्यांकन करते हैं। कहते हैं ना कि कोई भी पीर अपने गाँव में नहीं पूजता, उसका कारण एक यही है। ये बड़ी गहरी मनोवैज्ञानिक धारणाएँ काम करती हैं। सबसे पहले जो हमारे सराउंडिंग्स में लोग हैं, हमसे जुड़े हैं, वही अस्वीकार करते हैं, वो कैसे माने कि हम ओहदे में बड़े, हम पद में बड़े, हम कद काठी में बड़े, हम सो कॉल्ड तथा कथित तौर पर हम वर्ण व्यवस्था में बड़े, हम जाति धर्म में बड़े, हम पैसे में बड़े, हम नाम में बड़े, हम चाम में बड़े, हम काम में बड़े, और इतने बड़े होते 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 परमात्मा किसी साधारण से व्यक्ति पर कैसे मुग्ध हो सकता है, कैसे प्रसन्न हो सकता है। तो याद रखिए, सबसे पहले तो वो आपको नकारेंगे, आपको अस्वीकार करेंगे, आपके प्रति उपेक्षा के भाव को रखेंगे, आपका ख्याल ही नहीं करेंगे, और फिर धीरे 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 वो सोचेंगे कि ठीक है, हमारा हमें कोई वास्ता नहीं है इस व्यक्ति से। फिर धीरे 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 वो आपके बारे में आलोचना भी करेंगे, आपकी थोड़ी बहुत बुराई भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन अगर आप व्यक्ति हैं तो आप उन बुराइयों से प्रभावित होंगे, और अगर आप व्यक्तित्व हैं तो आप पर उन बातों का, किसी भी तरह के संदेश का, किसी भी तरह के संवाद का कोई भी फर्क कभी नहीं पड़ेगा। सभी सद्गुरुओं के साथ यही कहानी है। राम हैं, कृष्ण हैं, बुद्ध हैं, महावीर हैं, नानक हैं, जीसस हैं, मोहम्मद भी, जितने भी दुनिया में व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने धर्म की अलख जगाई, अपने अपने मापदंडों के साथ, अपने अपने मायनों के साथ, अपनी अपनी ऊंचाइयों के साथ, अपने अपने विचारों और अपने अपने संकल्पों के साथ, सभी को अपने कालखंड में अस्वीकार का, अस्वीकृति का, यहाँ तक कि निरादर का भी सामना करना पड़ा। महावीर के साथ अभद्रता की गई, उनके पीछे पागल कुत्ते छोड़ दिए गए, बुद्ध के ऊपर प्राणलेवा हमले हुए, क्राइस्ट को तो आपने सूली पर ही चढ़ा दिया। सभ्य समाज, देखिए उस समय का सभ्य समाज था। आज हम जिस क्रॉस को अपने सीने पर लटका करके घूमते हैं पूरे श्रद्धा भाव के साथ, उस समय उसी क्रॉस पर, उसी सूली पर
जीसस को लटका दिया गया, यानी कि उनकी शिक्षाएं लोगों को अप्रिय लगी, उनकी शिक्षाएं लोगों को निरर्थक लगी, उनकी शिक्षाएं खराब लगी। गुरु नानक देव जी को बड़े लंबे अरसे तक सिकंदर लोधी की कैद में रहना पड़ा, जेल में रहना पड़ा। भगवान कृष्ण जिस दंपत्ति से जन्म लेते हैं वो दंपत्ति सालों साल बरसों तक मानसिक दबाव में, एक मानसिक पीड़ा में, एक बहुत ही खराब परिस्थितियों में उनके माता पिता देवकी और वासुदेव जेल में रहे और उस मन स्थिति में कृष्ण का जन्म हुआ। तो और फिर जब कृष्ण अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूते हैं, ईश्वरीय तत्व हैं, वो ईश्वर को प्रतिनिधित्व करते हैं, ईश्वर की वाणी हैं, ईश्वर की आवाज़ हैं, लेकिन साधारण लोगों को तो छोड़ दीजिए, जो संबुद्ध व्यक्ति हैं, जो विदुर हैं, जो भीष्म हैं, जो गुरु द्रोण हैं, धृतराष्ट्र राजा हैं और बड़े बड़े सम्राट हैं, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, इनको भूल जाइए, जो साधारण लोग हैं उनको भूल जाइए। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी नहीं पहचान पाता है कि कृष्ण भगवान हो सकते हैं। कोई गीता का उपदेश महाभारत के बाद में नहीं हुआ है, महाभारत तो प्रारंभ भी नहीं हुई है, उससे पहले ही जब मोह, आपने खूब अच्छे से जानते हैं, जब मोह पैदा होता है अर्जुन को और वो कहता है कि मुझे ऐसा राजपाट नहीं चाहिए जो मेरे रक्त संबंधियों की लाश पर रखा गया हो, मुझे ऐसा राजपाट नहीं भोगना है जिसमें मेरे रिश्तेदारों की मृत्यु हो जाए, उनकी मृत्यु के ऊपर मुझे अपने सिंहासन के पाए नहीं रखने हैं। फिर वहाँ एक संवाद प्रारंभ होता है, इसमें गीता के 18 अध्यायों का जन्म होता है और वो एक ऐसी वाणी है, वो एक ऐसी देशना है, वो एक ऐसी चेतना है, वो एक ऐसी शिक्षा है जो सभी तरह के धर्म, देश, काल, परिस्थिति, वर्ण, वर्ग, सभी तरह के विभेदों से परे है, सभी तरह की दूरियों को पाटती है। प्रत्येक मनुष्य पर वो देशना पूर्णतया फिट होती है। उनको भी नहीं स्वीकार किया गया, उनके समकालीन लोगों ने उनको भी नहीं माना। अगर मान लेते तो महाभारत क्यों होता? संजय तो लाइव टेलीकास्ट कर ही रहे थे, संजय तो हाथ के हाथ आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को बता ही रहे थे, लिपिबद्ध सब हो ही रहा था, सारा वर्णन लिखा ही जा रहा था, लेकिन आपने अस्वीकार किया। आपने कहा कि कृष्ण, अरे ये गाय चराने वाले साधारण से व्यक्ति, इनकी बात का क्या सुनना, इनकी बात का क्या मानना। जो भी महान लोग हुए उनको आपने अपने पूर्वाग्रहों से जांचा परखा और उन्हीं पूर्वाग्रहों के आधार पर आपने अस्वीकार किया। तो इस बारे में आपने प्रश्न पूछा तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप दूसरों के मूल्यांकन से अपने जीवन का मूल्य निर्धारित ना करें। आपको भाती है ना बात, ठीक लगती है ना किसी भी सद्गुरु की बात, कोई भी सच्ची बात, कोई भी अच्छी बात, अपना लो उसको, अपने जीवन में आत्मसात करो, अपना करके थोड़ा परीक्षण करो, थोड़ा उसको देखो क्या वो सच है, क्या वो ठीक है, क्या आपके जीवन में उस मूल्य से, उस बात से, उस विचार से कुछ शुभता का उदय होता है, कुछ अच्छाई का जन्म होता है, कुछ आपको बेहतर लगता है। लगता है तो उसके साथ हो जाओ, और लगता है कि इस बात में सत्यता नहीं है, आपके जीवन में कुछ प्रतिफलन नहीं आ रहा है, कुछ शुभता का उदय नहीं हो रहा है, कुछ श्रेष्ठता का परिष्कार नहीं हो रहा है, तो उस थॉट को, उस विचार को, उस तत्व को, उस तथ्य को वहीं त्याग दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन आप अपने मन में कभी ये विचार ना रखें कि आपके गुरु को कोई गुरु नहीं मानता, आपके शिक्षक को कोई शिक्षक नहीं मानता, आपकी अपनाई जाने वाली शिक्षा को कोई शिक्षा नहीं मानता। जिन मूल्यों को आपने अपने जीवन में उतारा है, जिन मूल्यों को आपने अपने जीवन में आत्मसात किया है, पूरी दुनिया उनको निरर्थक कहती है, कहने दीजिए। आपको भा रहा है ना, पर्याप्त है, बहुत है, ये काफ़ी है। और आप देखिएगा, ये मनोविज्ञान की एक यात्रा है, ये मन के चित्त की एक दशा है। जैसे मैंने आपको बताया कि तीन तरह की गतियों से, तीन तरह की अवस्थाओं से मनुष्य का चित्त अभिप्रेरित होता है। सबसे पहले वो सद्गुरु को नकारेंगे, फिर सद्गुरु की आलोचना शुरू करेंगे, और आप याद रखना फिर यही वो व्यक्ति होंगे जो सद्गुरु को चाहेंगे भी, सद्गुरु की प्रशंसा भी करेंगे। ये अंतिम अवदान है, ये अंतिम अवस्था है, ये अंतिम स्टेज है। जब सब कुछ करने के बाद भी उनको लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा है, तब फिर स्वीकृति का बोध पैदा होता है। इस स्वीकृति के बोध से कुछ सीढ़ियाँ और नीचे उतर करके, कभी कभी ऐसा भी होगा
कि कुछ लोग जो संबुद्ध नहीं हैं, जो रहस्यदर्शी नहीं हैं, जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार अनुभूत नहीं किया है, जो ईश्वरीय ओज से अभिप्रेरित नहीं हैं, जिनके ऊपर देशना का प्रतिफलन नहीं हुआ है, जिनके ऊपर परम ऊर्जा का शक्तिपात नहीं हुआ है, जो ईश्वरीय तत्व से अभिन्न रूप से जुड़े नहीं हैं, जो कहीं ना कहीं पृथकता के बोध से घिरे हैं, लेकिन वो अपने अहंकार की तुष्टि के लिए वो लोगों को अपने आप को जताने, बताने, दिखाने, दर्शाने और सिद्ध करने के लिए कभी कभी खुद भी घोषित कर देंगे कि हम भी गुरु हैं, हम भी ये सब जानते हैं, ये सारी बातें हमें भी पता हैं, हम भी ये सारी चीज़ें जानते हैं। गुरु नानक कहते हैं ना गुरु ग्रंथ साहिब में कि जो छोटे छोटे कीट पतंगे हैं वो भी रीस में, वो भी ईर्ष्या भाव से भर जाते हैं और वो भी घोषणा करते हैं कि हम भी परम ऊर्जा के प्रतिनिधि हैं। तो आपने स्थिर रहना है, बहुत सारी चीज़ों को नहीं देखना है, और जो आपकी आत्मा का स्वर प्रतिबिंबित होता है, आपकी आत्मा का स्वर प्रतिध्वनित होता है, आपके अंदर से जो एक आवाज़ आती है, एक स्टैंपिंग होता है ना हृदय से, किसी चीज़ के ऊपर मोहर लगती है, वो परमात्मा की मोहर है, वो परमात्मा का सत्यापन है, वो अप्रूव्ड बाय अलमाइटी गॉड है। उसको सुनिए, उसके साथ हो जाइए, आप जीवन में श्रेष्ठता को अंगीकार करेंगे, सर्वोच्चता को अंगीकार करेंगे, आप अपने जीवन में शुभ को अंगीकार करेंगे, संपन्नता को अंगीकार करेंगे, समृद्धि को अंगीकार करेंगे, सत्य को अंगीकार करेंगे, सत्व को अंगीकार करेंगे, और अंगीकार करेंगे उस परम पिता परमात्मा को, जिसको अंगीकार करने के लिए आप मनुष्य जीवन में इस धरा पर, इस धरती पर, इस दुनिया में आपको भेजा गया है, आप आए। बशीर बद्र ने एक जगह लिखा है कि कभी यूं भी आ मेरी आंख में, कभी यूं भी आ मेरी आंख में कि मेरी नजर को खबर ना हो, कभी यूं भी आ मेरी आंख में कि मेरी नजर को खबर ना हो, मुझे एक रात नवाज दे मगर उसके बाद सहर ना हो, कभी यूं भी आ मेरी आंख में कि मेरी नजर को खबर ना हो, मुझे एक रात नवाज दे मगर उसके बाद सहर ना हो, वो बड़ा रहीम और करीम है मुझे ये सिफत भी अता करे, तुझे भूलने की दुआ करूं तो दुआ में मेरी असर ना हो, तुझे भूलने की दुआ करूं तो दुआ में मेरी असर ना हो। बहुत सारी लाइनें, बहुत सारे गीत, बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी पंक्तियां, सामान्यतः अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि ये पंक्तियां, ये विचार, ये बातें किसी व्यक्ति के लिए लिखी गई हैं, किसी ह्यूमन बीइंग, किसी हमसे जुड़े हुए आदमी के लिए हमने लिखी हैं। लेकिन अगर आप शायर का मन देखें, शायरी की गर्त में, शायरी के गर्भ में जब आप जाते हैं, शायरी की गहराई में जब आप जाते हैं, तो एक शायर सच्चे मायनों में कहीं ना कहीं अध्यात्म से संबद्ध होता है, अध्यात्म से जुड़ा होता है, कहीं ना कहीं उसका ईश्वर से वास्ता होता है। कहते ये कभी यूं भी आ मेरी आँख में कि मेरी नज़र को खबर ना हो। अभी आँख और नज़र का जो फ़र्क है, आँख बहुत कुछ देखती है लेकिन नज़र हमारा दृष्टिकोण है, नज़र माने नज़रिया, ये साइट और विज़न दो चीज़ों की बात कर रहा है शायर उसकी पंक्तियाँ। कभी यूँ भी आ मेरी आँख में कि मेरी नज़र को खबर ना हो और मुझे एक रात नवाज दे मगर उसके बाद सहर ना हो। एक रात ऐसी आए, ऐसी भक्ति की रात, शक्ति से परिपूर्णता की रात, परमात्मा के चरणों में फूल की तरह मैं खुद चढ़ जाऊँ और उसके बाद कोई सुबह हो तो हो और ना हो तो ना हो जाए तो अच्छा और ना भी हो तो वो एक रात का वो लम्हा, वो उस पल में बिताए गए क्षण, वो उस पल में जी गई जीवन की वेला मेरे जीवन को परिपूर्ण करती है, मेरे जीवन को पूर्णता का बोध कराती है। कबीर ने इसी बात को लिखा है ना, बूंद समाना समुंद में, बूंद मिल गई सागर से और हो गई सागर जैसी, अब आप सागर में से वापस थोड़ा जल लीजिए, कैसे पता लगाइएगा कि कौन सी बूंद थी जो मिली है, सब एक जैसा हो जाता है। तो बहुत सी पंक्तियाँ जिनको हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सतही तौर पर लिखी गई हैं, सतही मायने रखती हैं, ऐसा नहीं है, उनके बहुत गहरे आध्यात्मिक और धार्मिक निहितार्थ होते हैं, बहुत गहरे उनके मायने होते हैं। और देखिए उसके बाद उन्होंने आगे लिखा कि वो बड़ा रहीम और करीम है। अब देखिए यहाँ वो वहीं पहुँच गए जो बात वो कहने की तरफ, जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, वो ईश्वर की बात पर, की बात को ही कह रहे हैं कि वो बड़ा रहीम और करीम है, मुझे ये सिफत भी अता करे, मुझे ये खूबी, मुझे ये हुनर,
मेरे अंदर ये क्वालिटी, मेरे अंदर एक क्षमता पैदा कर दे कि वो बड़ा रहीम व करीम है, मुझे ये सिफत भी अता करे कि तुझे भूलने की दुआ करूँ तो दुआ में मेरी असर ना हो। अगर मैं परमात्मा, हे ईश्वर, हे अलहम्दुलिल्लाह, हे अल्माइटी गॉड, अगर कोई क्षण ऐसा आए कि मैं चाहूँ कि तेरा स्मरण, तेरा सुमिरन, नानक देव कहते हैं ना सुमिरन, तो तेरा सुमिरन अगर मेरे हृदय से चला जाए तो मैं फिर, मेरे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है, फिर मैं जिंदा रहूँ तो क्यों रहूँ। यानी मैं जब तक रहूँ ईश्वर के नाम के साथ रहूँ, ईश्वर के सुमिरन के साथ रहूँ। ये जो स्मरण शब्द है ये सुमिरन से तो आया है, जिसकी स्मृति, जिसकी पुलक, जिसकी थिरक, जिसकी एक फुरेरी हर समय आपके मन मस्तिष्क में रची बसी रहे, हर समय आप उसको अनुभूत करते रहें, वही तो है सच्चिदानंद ईश्वर परमात्मा, और वही आपका वास्तविक और असली और सच्चा स्वभाव भी है।